Assalamualaikum. Good morning, students of class 3. Open your page number 8. On page number 8, we learn about 4-digit numbers and their names. Okay? First of all, put your pencil in your hand and write down a complete date here. Student, jo question number 1 hame given hai, wo hai, write the names of these numbers. Yani ke jo diye gaye numbers hain, aapko usko names mein write karna hai like this. Okay? सो स्टूडेंट, ये जो आपके पास नंबर्स गिवन है, ये 4-digit नंबर्स कहलाते हैं. और वो क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें 4 digits आपके पास गिवन है. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 4 digits, 1, 2, 3 and 4. ओके, और एक बात मैं आपको और यहाँ क्लियर करती चलूँ कि 1000 की प्लेस वैल्यू वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो 4-digit नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास 4-digit नंबर्स ही गिवन होते हैं. ओके, जो हमारे पास फर्स्ट वन यहाँ वैल्यू गिवन है वो है 6720. क्या गिवन है? 6720. अब मैं इसको नेम्स में राइट करने जा रही हूँ. यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक. ओके, SIX6THOUSAND 1000, SEVEN 7, HUNDRED 120, TWENTY 20. सो स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं क्या वैल्यू राइट किया मैंने, 6720. ओके, नाउ बी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 5094. यहाँ पर हमारे पास 100 की प्लेस वैल्यू की जगह 0 राइट किया हुआ है, तो हम उसको स्किप करके जो है वो रीड करेंगे. और उसको रीड करने का वे क्या है हमारे पास? 5094. ओके, नाउ मैं इसको जो है वो नेम्स में राइट करने जा रही हूँ. FIVE 5 THOUSAND 1000 and NINETY 90 FOUR 4. कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई? 5094. ओके, नाउ सी 3008. स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो है वो 100 एंड 10s की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ उसको स्किप करके रीड करेंगे. उसको कैसे रीड करेंगे? 3008. अब मैं इसको नेम्स में राइट करने जा रही हूँ. THREE THOUSAND 1000 एंड EIGHT 8 3008. क्लियर है? नाउ डी में आपके पास क्या वैल्यू गिवन है? 7900. स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास टेंस एंड वंस की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो हम उसको स्किप करके रीड करेंगे. और कैसे रीड करेंगे? 7900. अब मैं इसको नेम्स में राइट करने जा रही हूँ. SEVEN 7 THOUSAND 1000 एन एन आई एन ई 9 HUNDRED 100. ओके, 7900. क्लियर है? नाउ ई में आपके पास क्या वैल्यू गिवन है? 2506. क्या गिवन है? 2506. स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास जो है वो टेंस वाली वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम उसको स्किप करके रीड करेंगे. उसको कैसे रीड करेंगे? 2506. ओके, अब मैं इसको नेम्स में राइट करने जा रही हूँ. TWO 2 THOUSAND 5 HUNDRED एंड SIX 6. तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई? 2506. नाउ एफ में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है? 8547. ओके, क्या गिवन है? 8547. अब मैं इसको नेम्स में राइट करने जा रही हूँ. EIGHT 8 THOUSAND 1000 FIVE 5 HUNDRED 100 and FORTY 40
seven. 8547. Now G. G में आपके पास वैल्यू क्या गिवन है? 1011. क्या गिवन है? 1011. आपके पास यहाँ पर 100 की वैल्यू की जगह जो है वो जीरो राइट किया हुआ है, तो हम उसको स्किप करके रीड करेंगे. और कैसे रीड करेंगे? 1011. अब मैं इसको नेम्स में राइट करने जा रही हूँ. O N E 1 T H O U S A N D 1000 एंड 11 11 11. तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई? 1011. नाउ H. H में हमारे पास क्या गिवन है? 9704. क्या गिवन है? 9704. यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेंस वाली वैल्यू की जगह जीरो राइट किया हुआ, तो हम उसको स्किप करके रीड करेंगे. और कैसे रीड करेंगे? 9704. अब मैं राइट कर रही हूँ उसको नेम में. N I N E 9 T H O U S A N D 1000 S E V E N 7 H U N D R E D 104 F O U R 4 9704. सो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. नाउ ओपन योर पेज नंबर 9 एंड राइट डाउन अ कम्प्लीट डेट हेयर प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 9 पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है वो है राइट द नंबर्स दैट मैच ईच नेम्स, यानी कि जो दिए गए आपके पास नेम्स हैं उसके नंबर्स राइट करने. ओके, फर्स्ट वन क्वेश्चन में आपको नंबर्स गिवन थे उसके नेम्स राइट करने थे. सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है वो नेम्स गिवन है और आपको नंबर्स में राइट करने हैं, जैसे आपको पार्ट ए में क्लियर किया गया है. 2366 वो नेम्स में है और फिर उसके सामने ही जो है वो नंबर्स में भी राइट करके शो किया हुआ है 2366. बाकी के रिमेनिंग पार्ट भी हम बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करते चले जाएंगे. ओके, जो बी गिवन है वो क्या गिवन है? 5604. क्या गिवन है? 5604. यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक 5604. स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने टेंस की वैल्यू के नीचे जो है वो जीरो राइट किया है. वो क्यों राइट किया है? क्योंकि यहाँ हमारे पास जो वैल्यू गिवन है नेम्स में उसमें टेन की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो जिसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी वहाँ हम क्या राइट करेंगे? जीरो राइट करेंगे. ओके, नाउ सी 9052. क्या गिवन है? 9052 मीन्स यहाँ पर 100 स्किप किया गया है, तो 100 की जगह हम क्या राइट करेंगे? जीरो राइट करेंगे. ओके, 9052. आप देख सकते हैं मैंने 100 की जगह क्या राइट किया है? जीरो राइट किया. ओके, नाउ डी 7120. क्या गिवन है? 7120. ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक. नाउ ई 1111. क्या गिवन है? 1111. हम इसको नंबर्स में राइट करेंगे 1111. ओके, नाउ एफ 6009. क्या गिवन है? 6009 मींस यहाँ पर आपके पास 100 भी स्किप किया गया है एंड टेंस भी स्किप किया गया है, तो दोनों की जगह हम क्या राइट करेंगे? जीरो राइट करेंगे. और कैसे राइट करेंगे? 6009. ओके, नाउ जी 8900. क्या गिवन है? 8900. स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास टेंस एंड वंस गिवन नहीं है, तो हम टेंस एंड वंस की जगह क्या राइट करेंगे? जीरो राइट करेंगे. ओके, 8900 लाइक दिस. यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक. नाउ एच 3442. क्या गिवन है आपके पास? 3442. अब हम इसको नंबर्स में राइट करेंगे 3442. क्लियर है बात? स्टूडेंट, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की. और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या गिवन है? राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, यानी कि जो दिए गए आपके पास नंबर्स हैं उनको थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस एंड वंस में राइट करना है. मीन्स जो वैल्यू जो है जिसकी प्लेस वैल्यू रख रहा है आपको वैसे ही राइट करना है. मीन्स जैसे आपके पास ए जो गिवन है वो गिवन है
1589। जब आपने इसको रीड किया तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन सा डिजिट जो है वो कौन सी वैल्यू रख रहा है। तो इसी वैल्यू के वे में जो है आपको राइट करना है, जैसे 1000 था तो 1 के साथ 1000, 500 था तो 5 के साथ 100s, 8 tens था तो 8 के साथ 10s, 9 ones है तो 9 के साथ 1s। यानी कि आपको इसको बिल्कुल क्लियर वे में राइट करना है, जैसे इसको रीड करेंगे वैसे इसको राइट करते चले जाएंगे। ओके, नाउ बी, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक 6471। बी में जो आपको वैल्यू गिवन है वो है 6471, तो हम राइट करेंगे 6000, thousand, thousand, then 400, hundreds, 7, tens, 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 and 1 जो है ones है, ones, ones, okay? Now see, 7204, क्या गिवन है 7204, तो हम इसको भी राइट करेंगे इसी वे में। यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक 7200। अब टेंस की जगह क्या राइट हुआ, वह जीरो, तो यहां पर भी हम जीरो ही राइट करेंगे, टू जीरो टेंस, देन लास्ट वैल्यू क्या है फोर, फोर आपकी क्या वैल्यू कहलाएगी वंस, यानी कि फोर वंस, 7200, जीरो टेंस एंड फोर वंस, क्लियर है। नाउ डी, डी में आपके पास क्या नंबर गिवन है 5690, क्या गिवन है 5690, यानी कि 5 जो है वो 1000 की प्लेस वैल्यू रख रहे हैं, टी एच ओ यू एस ए एन डी 1000, देन 6 किसकी वैल्यू रख रहे हैं 100 की, H U N D R E D S, उसके बाद 9 tens and 0 ones, okay? 0 के पास जो है वो 0, मतलब ones के पास जो है वो 0 write किया हुआ, तो इसलिए 0 ones कहलाएगा, okay? Now E, E में आपके पास क्या value given है 4026, क्या given है 4026, यानी कि 4000 की place value रख रहे हैं, तो 1000 write करेंगे हम, देन 0 100, क्योंकि 100 की प्लेस वैल्यू की जगह 0 राइट किया हुआ है, तो हम 0 100 ही राइट करेंगे, देन 2 tens, और लास्ट वन जो है वो 6 है, यानी कि 6 ones। नाउ एफ, एफ आपके पास यहाँ पे सॉल्व है, तो हम यहाँ बात जी की करेंगे। जी में आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 3802, तो इट मीन्स 3 जो है वो 1000 की प्लेस वैल्यू रख रहे हैं, तो 3 के साथ हम 1000 राइट करेंगे, देन 8 hundreds, क्योंकि 8 जो है वो hundreds की वैल्यू रख रहे हैं, देन 0 tens, क्योंकि tens की जगह क्या राइट किया हुआ 0, एंड लास्ट में जो है 2 ones, क्लियर है बात। नाउ h, 9527, क्या गिवन है 9527, मीन्स 9 जो है वो 1000 की प्लेस रख रहे हैं, तो 1000 राइट करेंगे हम, देन 500s, then 2 tens, and last में क्या given है 7 ones। so student, यहाँ जो है आपका question number 3 complete हो चुका है। I hope आपको clearly समझ में आ गया हो कि numbers में अगर आपको value given हो तो उसको names में कैसे write करते हैं, और अगर आपके पास जो है वो numbers में names में value given हो तो उसको आप numbers में कैसे write करते हैं, और last में जो मैंने आपको clear किया है वो ये चीज़ clear की है कि किसी भी value को या कोई भी number आपके पास given हो तो उसकी value के हिसाब से उसको कैसे write किया जाता है। Okay, today's class is finished now, thank you।